दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म इंजीनियरिंग कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। ये आप कर सकते हैं 10th और 12th दोनों के बाद ही। एंड आपको बता दें कि ज्यादातर ये कोर्सेज इंडिया में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट अपना सिक्योर कर सकता है एडमिशन राइट इनटू द सेकंड एकेडमिक ईयर ऑफ बीई और बीटेक प्रोग्राम, जिसे कहेंगे लेटरल एंट्री। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज की कई सारी ब्रांचेस के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज की ब्रांचेस के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, ईसी इंजीनियरिंग, आईसी इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, साउंड इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, पावर इंजीनियरिंग। आपको बता दें कि इन कोर्सेज के ड्यूरेशन 3 इयर्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन स्टूडेंट्स ने 10th क्लास कंप्लीट किया हो या 12th क्लास, दोनों ही कंडीशंस में स्टूडेंट एलिजिबल है इन कोर्सेज को करने के लिए, जिसका नाम है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज। वहीं अगर बात करें करियर प्रोस्पेक्ट की, आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज आपका करियर प्रोस्पेक्ट भी उसी तरीके से बनता है जिस तरह से बीई और बीटेक वालों का बनता है। बट यस, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज को हमारे देश में एक अलग ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।